नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते अभी की ताजा खबरों पर। पत्नी को घर से बेदखल करने के लिए आरोपी पति ने की न्यूरिया थाने के SHO को रिश्वत की पेशकश। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी को भेजा जेल। प्याज के दाम किसानों को कर रहे निराश। किसानों को नहीं मिल रहा प्याज का उचित दाम, किसानों को नहीं मिल पा रही प्याज की लागत। अयोध्या के मंडल कारागार में मानसिक तनाव से निकालने के लिए कैदियों के लिए खेल सप्ताह की शुरुआत। 19 दिसंबर को शहीद आजम अशफाक उल्ला खान के शहादत दिवस के मौके पर किया जाएगा आयोजन। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में पत्नी को घर से बेदखल करने के लिए आरोपी पति ने न्यूरिया थाना के SHO को रिश्वत की पेशकश कर दी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार कश्यप ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति मोहम्मद यूसुफ खान को जेल भेज दिया। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले यूसुफ खान ने थाने में पदस्थ SHO को रिश्वत देने की कोशिश की। यूसुफ अपनी पत्नी को घर से बेदखल करने के बदल में प्रभारी निरीक्षक को 1000 रुपए देने लगा। आरोपी ने जेब से 500 के 2 नोट निकाले और प्रभारी निरीक्षक की तरफ बढ़ा दिए। यूसुफ की इस हरकत के बाद प्रभारी निरीक्षक आग बबूला हो उठे और रिश्वत देने के आरोप में पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार कश्यप ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ खान पारिवारिक समस्या लेकर आया और पत्नी को बेदखल करने की बात करते हुए रिश्वत देने लगा। रिश्वत देने के जुर्म पर उस पर कार्रवाई की गई। खंडवा की सब्जी मंडी में प्याज का आना शुरू हो गया है। प्याज की फसल लेकर दूर दूर से किसान मंडी में बेचने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन भाव नहीं मिलने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। खंडवा की सब्जी मंडी में प्याज बेचने के लिए आ रहे किसानों को मायूस होना पड़ रहा है। प्याज की बंपर आवक होने से व्यापारी किसानों का प्याज 7 से 8 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। पंथाना रोड स्थित सब्जी मंडी में प्याज की बंपर आवक हो रही है, हालांकि किसानों को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। व्यापारियों द्वारा नीलामी के दौरान 700 से 800 रुपए क्विंटल तक बोली लगाकर नीलामी में प्याज खरीदा जा रहा है। मंडी में प्याज को लेकर पहुंचे किसान सुभाष पटेल का कहना है कि 3 एकड़ में प्याज की फसल लगाई थी, इसमें 400 कट्टे प्याज निकले जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की लागत लगी। मंडी तक उपज लाने का भाड़ा अलग लगा जो 700 रुपए क्विंटल में बिका है, लागत मूल्य तक नहीं निकाल पाया है। ये सब सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा है। अब कैसे बैंकों का कर्जा चुकाएंगे और कैसे लागत मूल्य निकलेगा। हमेशा से कहते आ रहा हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान हमेशा पिटाते आ रहे हैं। अब किसानों ने प्याज पैदा करने के लिए पूरा 1 साल अपना लगा दिया है। पिछले साल जनवरी में हमने प्याज की बीज लगाई थी, उसके बाद ये पूरा साल भर हमने मेहनत की, उसके बाद हमको 7 से 8 रुपए किलो 6 रुपए किलो का मतलब इसका पैसा मिल रहा है प्याज का। हम तो किसान चाहते हैं कि हमको 15 से 20 रुपए किलो मिल जाए तो हमारी लागत निकल जाए इसमें, लेकिन ये 5-6 रुपए किलो में तो हमारी लागत भी नहीं निकल रही है। और ये सरकार को बाहर से प्याज बुलाने कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश में इतना प्याज है, किसानों के पास इतना प्याज है कि किसानों के आपने आंसू निकाल दिए हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई किसान की आय दुगनी होगी अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो। देश में सिर्फ किसान का शोषण हो रहा है और उसका नुकसान हो रहा है और उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। खंडवा में पहली बार ब्रेन्सबीक कंपनी नई टेक्नोलॉजी को लेकर आई है। इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन्मजात मल्टीपल इंटेलिजेंस लर्निंग स्टाइल विषय चयन के साथ करियर संबंधी जानकारी को बताती है। ये कंपनी 3 नेशनल अवार्ड्स विनर के साथ अभी तक 3 राज्य में 24,000 से अधिक टेस्ट कर चुकी है। ब्रेन्सबीक कंपनी के MD विकास ओब्रॉय ने टेस्ट के माध्यम से पूरी लाइफ की साइंटिफिक कुंडली के बारे में बताया। ये टेस्ट न्यूनतम 3 साल के उम्र से अधिक कोई भी व्यक्ति करा सकता है। ये बायोमेट्रिक के द्वारा टेस्ट किया जाता है जो जन्मजात टैलेंट की जानकारी देता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से किसी भी स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ की जानकारी मिलती है। यदि वीकनेस है तो सुधारने के तरीके भी रिपोर्ट में मिलते हैं। ब्रेन्स भी पूरे महाराष्ट्र में काफी सक्सेसफुल लेवल अचीव कर चुका है। MP में हम लोगों ने एक बहुत क्लियर वैशिष्ट लेकर हम लोग आए हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी एक अफोर्डेबल कॉस्ट में लिखा है। यहाँ के माता पिता बहुत कंसर्न है क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बच्चे नहीं जानते कि करियर के अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं।
लेवल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का आज के डेट का जो यहाँ का माध्यम है ये भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि प्रमुख तौर पे हम लोग एग्रीकल्चर से आगे आज तक यहाँ पे सोच नहीं पाए, जबकि बड़े शहरों में इवन आप यहाँ के देख लें कि रतलाम हो गया, आपके इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर आईटी कंपनीज आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बीपीओस खुलने जा रहे हैं, एडवांस करिकुलम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अयोध्या के मंडल कारागार में मानसिक तनाव से गुजर रहे कैदियों को राहत देने के लिए खेल सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन 19 दिसंबर शहीद आजम अशफाक उल्ला खान की शहादत दिवस के मौके पर किया जा रहा है। आयोजन एक सप्ताह तक चलेगा। इस खेल आयोजन के अंतर्गत कारागार परिसर में ही क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस क्रीस, रस्सा कशी जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंडल कारागार के कैदी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज मंडल कारागार अयोध्या में खेल सप्ताह का प्रारंभ किया गया है। खेल सप्ताह के अंतर्गत 19 दिसंबर को मंडल कारागार अयोध्या में शहीद अशफाकुल्ला खां को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी, उन्हीं की शहादत दिवस के हम लोगों ने एक खेल सप्ताह का शुभारंभ आज किया है, जिसमें क्रिकेट और चेस, रस्साकसी, वॉलीबॉल और क्विज प्रतियोगिता का हम लोगों ने उस खेल के अंतर्गत सप्ताह के अंतर्गत शामिल किया है, जिसका शुभारंभ आज हम लोगों ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आम आदमी पार्टी ने बुलंदशहर की दर्दनाक घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बदहाल कानून व्यवस्था, दंगा कराने की साजिश और बुलंदशहर की घटना में शहीद सुबोध सिंह की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। बुलंदशहर की घटना में शहीद सुबोध सिंह की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने को संबोधित करते हुए आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा नेताओं ने खुद ही बवाल किया और एक जाबाज पुलिस अफसर की जान ले ली। वहीं आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट, सत्ता और नफरत की राजनीति के लिए भाजपा ही हत्या करा रहे हैं। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को घेर कर गोली दी गई। दंगाइयों को इतनी हिम्मत सरकार से ही मिल रही है, इसलिए भाजपा के राज में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश को अपराध मुक्त कराने की बात कहकर सत्ता में आई भाजपा सरकार, लेकिन अब जंगल राज में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आप कार्यकर्ताओं ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस असहाय बनी हुई है और गिड़गिड़ाने का काम कर रही है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, जिला मुख्यालय पे हम लोग महामहिम राज्यपाल के महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन दे रहे हैं। बुलंदशहर में जो घटना घटी है पिछले 3-4 दिन पहले, सुबोध सिंह जो एक जाबाज इंस्पेक्टर थे उनकी हत्या हुई है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक आंदोलन, एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम लोग की महामहिम राज्यपाल जी से ये मांग है कि जो हत्या हुई है उनके परिवार को दिल्ली सरकार की तर्ज पे, अरविंद केजरीवाल की तर्ज पे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।